दोस्तों फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल अगले महीना ही आ रहा है। आपको पता होगा फ्लिपकार्ट एंड अमेजन की सेल एक साथ ही आता है, तो यहाँ पे सवाल आता है कि अगर आपको मैकबुक खरीदना है तो किस प्राइस रेंज के साथ आ सकता है, कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो और थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं ये सारे जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए गाइज। अच्छा लगेगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना गाइज। और गाइज अगर आप एक मैकबुक यूजर हो और वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो एडिटिंग कोर्स में एनरोल हो सकती हो, डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। अगर आपको एक लो बजट में मैकबुक खरीदना है, यहाँ पे जवाब आता है एक ही मैकबुक, मैकबुक एयर। यहाँ पे मेरे पास जो है मैकबुक एयर, बट मैकबुक एयर में अभी दो वेरिएंट अवेलेबल है, मैकबुक एयर M1 अवेलेबल है एंड मैकबुक एयर M2 अवेलेबल है, जो दो आपकी बजट में फिट हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस इन दोनों की प्राइस सेगमेंट में चेंजेस रहेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट डिसाइड करिए गाइज, रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मल वीडियो देखने के लिए आपको नॉर्मल मैकबुक चाहिए, अगर वीडियो एडिटिंग करना है या फिर ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क करना है थोड़ा अपर वेरिएंट चाहिए, तो ये सभी जो एंट्री लेवल वर्क है ये सारे फुलफिल कर लेगा आपको मैकबुक एयर। जो M1 आता है और M2 आता है दोनों हाई एंड प्रोसेसर के साथ आता है, एप्पल की खुद की सिलिकन चिपसेट के साथ। और ये दोनों की प्राइस रेंज की बात करें तो दोनों की सेगमेंट अलग है, मतलब प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे बात आता है अगर आपको मैकबुक एयर M1 जो 2020 में रिलीज हुआ था, 2 से 3 साल हो चुका है, मेरे पास भी वही मैकबुक है बट फ्लॉलेसली बैटरी परफॉर्मेंस देता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हैवी टू हैवी वर्क इससे करा सकते हो। आपको पता होगा जितना भी मेरा वर्क हो रहा है ना वो सारे M1 से ही हो रहा है, जितना भी एडिटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन इंस्टाग्राम के लिए, सब सारे चीज इसी से ही होता है। अगर आपको ये डिवाइस खरीदना है ना तो आपको ये 65,000 के साथ मिल सकता है गाइज, बहुत बढ़िया अफोर्डेबल प्राइस में आपको इस साल फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के अंदर मिलेगा। और ये आफ्टर यूजिंग क्रेडिट कार्ड, ऑल डिस्काउंट लगाने के बाद आपको इस प्राइस के साथ मिल सकता है। अब भी अगर आप फ्लिपकार्ट में चेक करेंगे ना, मैकबुक एयर M1 जो आपको अवेलेबल हो रहा है 81,000 के साथ मिल रहा है, और उसके ऊपर अगर क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे 4,000-5,000 और डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ये 75,000 तक तो अभी भी मिल रहा है। अगर परचेज करना है लिंक भी दे रखा हूँ, बट अगर आपको थोड़ा वेट करेंगे ना ये 62,000-65,000 के साथ मैकबुक एयर M1 मिल जाएगा। बट अगर आपको लेटेस्ट एयर मॉडल चाहिए, लेटेस्ट मैकबुक चाहिए, तो आपको जाना चाहिए मैकबुक एयर M2, बट प्राइस डिफरेंस वहां पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैकबुक एयर M2 जो रिलीज हुआ था 2022 में, 2 साल के बाद M2 रिलीज हुआ था, बट उसमें बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा मिल रहा है। लाइक उसकी जो MRP है 1,19,000, बट ये अभी मार्केट में आपको 1,07,000 1,05,000 के अंदर मिल जा रहा है, बट 1,00,000 के अंदर मान के चलो मिल जाएगा। बट अगर आप वेट करेंगे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के तक, यहां पे आपको और 10,000 कम मिलेगा, मतलब 85,000-90,000 के साथ आपको मैकबुक एयर M2 देखने मिल सकता है इसी साल फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर। जहां पे M1 60,000-65,000 के साथ मिल रहा था, यहां पे आपको 90,000, मतलब 30,000 की डिफरेंस आने वाला है, 90,000-95,000 तक भी हो सकता है क्योंकि वो लेटेस्ट डिवाइस है। जनरली एप्पल की जितना भी लेटेस्ट डिवाइस होता है वहां पे आपको डिस्काउंट ऑफर ज्यादा, मतलब बहुत कम देखने मिलता है, तो इसीलिए उसके ऊपर बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखो। बट अगर आपको हैवी यूजर हो, थोड़ा प्रो रेबल की यूजर हो, तो आपको मैकबुक प्रो जो 13 इंच की तरफ से देख सकती हो, वहां पे इनबिल्ट फैन मिलेगा, एक्टिव कूलिंग मिलेगा। तो एक्टिव कूलिंग से क्या होगा कि आपकी मैकबुक की जो हीट डिसिपेटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसमें फैन नहीं है फिर भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आप थोड़ा हैवी वर्क करना चाहते हो तो प्रो मॉडल की तरफ से देख सकते हो, बट
प्रो मॉडल में बहुत अच्छे डिस्काउंट ऑफर देखने नहीं मिलता है। ज़्यादा सेलिंग होता है ना एप्पल की जो मैकबुक, वो है एप्पल मैकबुक एयर। अगर आप प्रो मॉडल देख रहे हो तो वहाँ पे जो भी आपकी मॉडल अभी अवेलेबल है तो यहाँ पे कार्ड ऑफर के बाद 10 से 12 हज़ार तक डिस्काउंट हो जाएगा अभी की प्राइस से। जैसे कि मैकबुक प्रो M2 अभी आपको अवेलेबल है 1,37,000 के साथ, ये आपको 1,20,000 तक मिल सकता है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर। 1,20,000 के साथ मिल सकता है आफ्टर यूजिंग ऑल क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे अगर आपको एक मैकबुक परचेज करना है तो गाइज आप डिसाइड करिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट वाइज एक मैकबुक खरीदिए। और मैकबुक लेना है आराम से 8 से 10 साल, 5 से 8 साल तो आराम से यूज कर सकते हो, फ्लॉलेसली बैटरी परफॉर्मेंस आपको देगा। तो इसीलिए आप सोच समझ के थोड़ा डिसाइड करिए। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, अभी क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड से आपको 5 से 7 हज़ार और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट की एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जरूर रखिए, वहाँ पे जो भी अमाउंट है एक तो इंस्टेंट डिस्काउंट 2 से 3 हज़ार मिल जाएगा, उसके साथ 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अनलिमिटेड आपको मिलता जाएगा, वो आपको बहुत फायदा है। लगभग 10 हज़ार तक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको डिस्काउंट दे सकता है। तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, एक बार जरूर चेकआउट करना। अगर आपको प्रो जो 14 इंच 16 इंच लेना है तो वो आपको बहुत डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, उससे अच्छा आप ऑफलाइन ट्राई करिए। ऑफलाइन स्टोर, यूनिकॉर्न स्टोर हो गया, जो भी एप्पल की स्टोर हो गया, वहां पे ट्राई करेंगे तो वहां पे आपको सस्ता मिल सकता है। पर गाइस जब भी सेल लाइव हो जाएगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा आपको ऑनलाइन से परचेज करना है या उसी टाइम में कोई भी एप्पल ऑथराइज स्टोर में ऑफलाइन में सस्ते मिल रहा था, तब मैं आपको जरूर बता दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।